और कुछ ये भी कमियां हैं। और हम देखते हैं कि राशन कार्ड को लेकर काफी प्रॉब्लम है। राशन कार्ड को दूसरी समस्या देखा जाए, दूसरी कमी देखा जाए, दूसरी कमियां देखा जाए तो राशन कार्ड को लेकर है। राशन कार्ड जो है, राशन कार्ड जारी करने का अधिकार जो है स्टेट गवर्नमेंट को है। आप इस सेंट्रल गवर्नमेंट जारी नहीं करती, इस राशन कार्ड के माध्यम से ही लाभार्थी की पहचान की जाती है, उसकी डिटरमाइन ऑफ द बेनिफिशियरी किसके माध्यम से, थ्रू बाय राशन कार्ड। तो इसके माध्यम से लाभार्थी की पहचान की जाती है, उपभोक्ता की पहचान की जाती है, गरीब लोगों की क्या की जाती है पहचान की जाती है। वास्तविक लाभार्थी किसकी, लाभार्थी की पहचान की राशन कार्ड के माध्यम। राशन कार्ड जारी करने का अधिकार किसको, इश्यू करने का, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। लेकिन कुछ इस राशन कार्ड के माध्यम से आप देखिए, लीकेज देखिए, ये राशन कार्ड जो लोकल लेवल पर ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट तो जारी करती है, लेकिन ये वास्तविक रूप से इसका सर्वे जो होता है, इसको कैसे जारी करें, इसकी प्रोसेस होती है वो गांव के नीचे ग्राम से स्थापित होती है। तो इसमें देखा जाता है कि जो इसमें ये देखा जाता है करप्ट लोग होते, ईमानदार लोग होंगे वो डेफिनेट काम करेंगे, वो करप्शन से हाथ ही नहीं लगाएंगे। जो अच्छे ईमानदार हॉनेस्ट ऑफिसर है, हॉनेस्ट अधिकारी हैं, जिन्हें संपत्ति से मोह माया से जाना लगाव नहीं है, उन्हें वास्तविक अपने कामों से, कर्मों से मतलब है, वो ऐसे अधिकारी तो करप्शन का सहारा लेंगे नहीं। वो अपनी इंटीग्रिटी को ध्यान रखेंगे, अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करते हैं, चाहे किसी लेवल पर हो, छोटे लेवल पर हाई लेवल के काम, जब छोटे लेवल का हाई लेवल का काम हो, वो अपनी इंटीग्रिटी से या सत्यनिष्ठा से काम करते हैं। लेकिन जो करप्ट कमियों में हम क्या पढ़ रहे हैं, कमियों में मतलब हम करप्ट लोगों की बात जाना करेंगे। करप्ट लोग कमियां तभी तो आ रही है, अगर करप्ट नहीं होते तो कमियां क्यों आती। तो कमियां इसलिए पढ़ रहे हैं करप्ट लोगों के बारे में हम जाना बताएंगे इस चीज में, जाना इससे करप्ट कमियां क्यों आ रही, इसमें दोष क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इस प्रणाली को जिस तरीके से निर्माण किया गया था, बिल्डिंग किया था, उस तरीके से संचालित होनी चाहिए, उस आधार पर, उस अनुसार संचालित नहीं हो रही है। लेकिन इसमें कुछ लूप होल्स हैं, कुछ कमियां हैं, वो कमियां कहां से आ रही हैं, ये सिस्टम है, सिस्टम तो निर्भर होता है लेकिन लोगों के कारण आ रही है, लोगों की सत्यनिष्ठा खराब है, वो हम समझने का प्रयास करते हैं। तो लोकल लेवल के कर्मचारी होते हैं, अब बताया जाता है रिपोर्ट के अनुसार कि मरे लोगों के कार्ड जाना है, पर जो व्यक्ति मर गया, जो डेड हो गई, उसकी भी कार्ड जारी है, वो कार्ड भी उनके, वो भी कहीं ना कहीं उनके भी कार्ड बने हुए हैं। तो इसमें किसका, छोटे लेवल पर सचिव लेवल के, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी है, गांव लेवल, उन तो वही तो करप्ट है ना। अब तो क्या डिजिटलाइज हो रहा है धीरे धीरे प्रणाली, और राशन कार्ड और वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम आ रही, तो डिजिटलाइज हो रही है, ई राशन कार्ड प्रणाली आ रही है, वो तो सुधार आ रहा है, इतनी डिजिटलाइजेशन हो रहा है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो हम तो एक देखा जाए तो पहले, अब तो 2019 तक ई रेशन वन नेशन वन राशन कार्ड आया, लेकिन इससे पहले तो लूट आना लोगों ने, वो समझने का प्रयास कर कैसे लूट होती थी, कि गोस्ट कार्ड होते थे, भूत कार्ड, यानी मरे लोगों के जो कार्ड होते थे ना, गोस्ट कार्ड के नाम से जानते हैं, गोस्ट कार्ड मतलब मरे लोगों के नाम से भी कार्ड जारी कर दिए गए, उसके आधार पर नाम लिया जा रहा है। इससे होता क्या है, इस दोष से, इस कमी से, कि वास्तविक हकदार है, वास्तविक लाभार्थी है, उस तक लाभ नहीं पहुंच पाता है, जो वास्तविक उपभोक्ता है उस तक अनाज नहीं पहुंच पाता। किसको, वास्तविक, जो रियल लाभार्थी है उसको फायदा नहीं पहुंच पाता है, लाभार्थी, उस लाभार्थी तक या फिर बेनिफिशियरी तक, उपभोक्ता तक या गरीब व्यक्ति तक, उसको करप्शन का सबसे इस तक नहीं पहुंच पाता, यही है सबसे बड़ा दोष। बस ये भूतकाल मरे लोगों के राशन कार्ड एक तरीके से बना दिए जाते थे, पैसे दे दिए, या फिर इसमें ये भी था कि अपडेट नहीं हुए, साइट पर अपडेट नहीं हुए, वो व्यक्ति मर गया, उसके पास उसका डेटा सरकार के पास नहीं पहुंचा, अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराएगा, तो मरे व्यक्ति के नाम से राशन लिया जा रहा है, 5-5 किलो 35-35 किलो अनाज दिया जा रहा है। इससे घाटा क्या होता है, करप्शन चलता रहना चाहिए। करप्शन की एक ही सबसे बड़ी कमियां हैं कि इससे सबसे संवेदनशील, हंसी पर चले गए लोग, गरीब लोगों को इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। करप्शन लोग कौन करते हैं, करप्शन लोग अमीर लोग तो करते हैं क्योंकि उनको फायदा होता है, लेकिन नुकसान किसको होता है, गरीब लोगों को होता है। इसलिए गरीब लोगों को दिक्कत होती है करप्शन से, बड़े लोगों को करप्ट बने लोगों, उन लोगों को कोई परेशानी नहीं है करप्शन, वो तो कहते हैं लीगलाइज कर दीजिए करप्शन को। लेकिन कुछ लोग इंटीग्रिटी के साथ काम करते हैं, उन्हें करप्शन से मतलब नहीं रहता, वो सिर्फ अपने वास्तविक काम से ध्यान करते हैं। तो लाभार्थी, मैं ये कह रहा हूं कि लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाता है, क्यों, क्योंकि जो गोस्ट कार्ड की संख्या एक समय जाना थी और मरी हुई लोगों के, और इसमें देखा जाए गांव में लेवल पर देखा जाए कि जिसके नजदीक रिलेशन संबंध है वो बनवा लेते हैं कार्ड अपना,
क्यों बनवा लेते हैं? क्योंकि पैसे दे देते हैं, जाति धर्म के अधिकारी होते हैं वो भी कहीं ना, इसमें कार्ड में यही समस्या है कि राशन कार्ड जारी करने में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, अधिकारी प्रॉब्लम्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अपनी जात के अधिकारियों से मिलकर कास्ट का लोग फायदा उठाते हैं, लोग कहते हैं कास्ट सिस्टम बुरा है, तो कास्ट सिस्टम बुरा तो है लेकिन बुरा उन लोगों के लिए नहीं है इसका फायदा उठाते, फायदे में बुरा उन लोगों के लिए इसमें बुरा प्रभाव पड़ता है, तो अपनी जात के अधिकारियों से मिलकर अपने धर्म के लोगों से मिलकर इस तरीके का जो काम करवा लेते हैं। लेकिन राशन कार्ड जारी करने में ये तो जो अपनी जात के आधार पर कर्मचारी ने कर दी वो करप्ट है, लेकिन ये भी है कि कार्ड की एक सीमा है, राशन कार्ड की एक सीमा थी 2019 से पहले, 2019 के बाद वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू कर दी गई। पहले क्या सीमित थी कि स्टेट तक लिमिट थी, कि अब स्टेट तक सीमित थी पहले 2019 से, कि अब इसमें यह है कि सीमित यह थी कि राशन कार्ड जो है, एक राशन कार्ड जो जारी करते हैं इसमें यह कमी और है, राशन कार्ड जो जारी करते हैं स्टेट गवर्नमेंट जारी करती है वो जिसके मकान नंबर होने चाहिए, मकान नंबर होना चाहिए, जिसके पास घर होना चाहिए, घर नंबर होना चाहिए, और भाई जो बेघर है उसको लाभ नहीं मिल पा रहा पीडीएस सिस्टम का, सिंपल बात है। जो होमलेस हैं उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा, क्योंकि राशन कार्ड आप जैसे कर्मचारी के पास जाओगे, छोटे छोटे कर्मचारी के पास जाओगे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के आप कर्मचारी से मिले, हमें राशन कार्ड जारी, हमें राशन कार्ड चाहिए, हमें अनाज चाहिए, वो कहेंगे आपका मकान नंबर कहां है, मूल निवासी कहां है, आपका जाति प्रमाण पत्र कहां है, इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, कागजी दस्तावेज मांगते हैं, लेकिन लोगों के पास नहीं होते हैं क्योंकि वो बेघर हैं, उनके होमलेस हैं, विकारी हैं, बेघर हैं, उनके पास खुद का घर नहीं है, उनके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है, कभी 10 दिन इस गांव में, 20 दिन उस गांव में, 30 दिन उस शहर में, 40 उस शहर में, कभी एक एक साल उनकी भ्रमण में व्यवस्था में निकल जाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं इस पीडीएस प्रणाली से वंचित हो जाते हैं। ये जो आप भारतीय संविधान का जो हम कह रहे हैं ना, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी आर्टिकल 21 से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि उस आर्टिकल 21 में ये बात लिखी गई कि जीवन का अधिकार, जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है, तो ये बेचारे बेघर भी इस तरीके से वंचित हो जाते हैं क्योंकि अधिकारी उनका कार्ड जारी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? उनके पास मकान नंबर नहीं है, घर नहीं है, मकान नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो इससे बेघर लोगों को फायदा नहीं हो पाता। दूसरा एक आता था कि 2019 से पहले प्रवासी मजदूरों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रवासी मजदूर कैसे, अब देखते हैं, प्रवासी मजदूर ऐसे कि प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश का कोई आदमी है, वो काम करने के लिए गुजरात या बिहार यूपी मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति है, काम करने के लिए दिल्ली जाता है, हरियाणा जाता है, महाराष्ट्र जाता है या गुजरात जाता है, तो हमेशा जो माइग्रेशन होता है ना पुश फैक्टर से हमेशा पुल फैक्टर की ओर होता है, माइग्रेशन को पढ़ेंगे कभी। अब यहां पर रोजगार के साधन नहीं है इन स्टेटों में, बिहार यूपी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी शामिल कर लीजिए, झारखंड भी शामिल कर लीजिए बड़े स्तर पर, तो ये लोग कहां जाते हैं, कलकत्ता चले जाएंगे या फिर हरियाणा चले जाएंगे, नजदीक शहरों में या सिटी में गुजरात चले जाएंगे, वहां पे इंडस्ट्री है, रोजगार के अवसर हैं, लेकिन अब यहाँ के जो राशन कार्ड लेकर नहीं जाएंगे भी, अगर लेकर राशन कार्ड चले भी गए तो वहां की जो फेयर शॉप्स प्राइस उचित मूल्य की दुकानों से राशन नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि वो वहां पर मध्य प्रदेश का राशन कार्ड वहां पर संचालित नहीं होगा, 2019 से पहले व्यवस्था थी, लेकिन 2019 के बाद अभी निर्धारित कर दिया गया कि प्रवासी मजदूर जो है अब किसी भी राज्य में जाए, एक राशन कार्ड बन जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड जारी करेगी, वो राशन कार्ड उस राशन कार्ड से कोई भी प्रवासी मजदूर कहीं भी किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी कोने में, चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तक, कहीं भी किसी भी स्टेट में अनाज खरीद सकता है, और क्योंकि उसका एक लीगल राइट है, ये लीगल राइट कौन देता है, भोजन का अधिकार कौन देता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन देता है, आर्टिकल 21 देता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं ये प्रवासी मजदूर अधिकार से वंचित हो रहे थे, क्योंकि आर्टिकल 21 किसी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार तक सीमित नहीं है, ये पूरे भारत के नागरिकों का अधिकार है, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, इस संवैधानिक अधिकार को लागू करने में इसको वन नेशन वन राशन कार्ड की बड़ी भूमिका है, क्योंकि अब प्रवासी मजदूर को कोई चिंता नहीं है, वो कहीं भी जाए, किसी भी स्टेट में जाए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को इससे जो है भारत तो दबाव तो बनेगा कि अपने लोग, राज्य के लोग, अपने लोगों को तो दे पहले अनाज, लेकिन इसको भी तरीके से, इसमें कुछ लूप होल्स है, कमियां है, वो भी सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। खाद्यान्न को लेकर असंतुलन तो होगा कि किसी राज्य विशेष पर उसकी सब्सिडी देती है राज्य सरकार, है भी उस पर दबाव बनेगा, खाद्यान्न पर दबाव बनेगा, तो इसमें देखा जाएगा इसकी कमियों को भी दूर करने का प्रयास सरकार करने का प्रयास करेगी। लेकिन 2019 के बाद वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया गया, स्कीम पूरे भारत में लागू हो गई है, कुछ राज्यों प्रवासी मजदूरों का इससे फायदा होगा,
लेकिन अब पीडीएस प्रणाली को बेघर तक पहुंचाने की आवश्यकता है, क्योंकि बेघरों के भी कार्ड होने चाहिए। अब हम समझते हैं कि गुड गवर्नेंस की भी कमी है, और एफसीआई और सेंट्रल एफसीआई कर्मचारी अधिकारी जो लोग हैं, और भारत सरकार और सेंट्रल राज्य सरकार के कुछ कर्मचारी है, या उनकी जो सत्य निष्ठा पर सवाल उठते हैं, क्योंकि वो भारी स्तर पर ये राशन का लीकेज करते हैं, करप्शन करते हैं, डायवर्जन करते हैं, खुले बाजारों में अनाज को बेचते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं इसको समझने का प्रयास करते हैं।